हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद एलआरसी पे एक न्यू अपडेट लेकर मैं आया हूं। ऐसे लगभग 1 से 2 महीना हो गया। फर्स्ट राउंड का जब ज्वाइनिंग हुआ था उसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आने में समय तो लगेगा। उस वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया था कि फर्स्ट राउंड में जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको नियम के अनुसार 2-3 मौका दिया जाता है। तो एलआरसी डिपार्टमेंट ने ऐसे स्टूडेंट को 3 नहीं 4 मौका दे दिया। ऐसे नोटिस में आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, जो भी 1-2 दिन पहले एक नोटिस आया है। कुछ व्हाट्सएप के कोर मेंबर हैं, कोर मेंबर करके ग्रुप बनाया है, उसमें मुझे भी ऐड करके रखा है। मैं सारे ग्रुप से लेफ्ट हो गया। डेली हर तरह के मैसेज देखने को मिलता था, मोबाइल में नोटिफिकेशन डिस्टर्ब रहता था। तो सिर्फ एक ग्रुप में मैं ऐड हूँ जो कि आप लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। ग्रुप का नाम है कोर मेंबर। मैं उस कोर मेंबर का सदस्य नहीं हूँ, बस उसमें मुझे ऐड कर दिया गया है। मैंने सोचा चलो एक जगह ऐड है। ऐसे मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, माही टेक्निकल क्लासेस के नाम से। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं हमेशा उसमें अपडेट देते रहता हूँ। चलिए आप मुद्दे की बात करते हैं। अब देखिए 11 तारीख तक दे दिया गया है डेट फर्स्ट राउंड वाले ही कैंडिडेट को जो ज्वाइनिंग नहीं किया। रे बाबू, ज्वाइनिंग काहे कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से कर लीजिए। आपको 1 मौका दिया गया, 2-3-4 मौका दिया गया। अब देखिए इस बात को आप भी समझ रहे होंगे जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि जिसको ज्वाइन करना होता 100% फर्स्ट राउंड में ही चला जाता है। थोड़ा देर के लिए सोच लेते हैं कि 1-2% कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में ज्वाइनिंग नहीं करता है किसी कारणवश। हो सकता है प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन में हो, और भी कोई भी चीज हो सकता है। तो सेकेंड राउंड में कर ही लेगा। थर्ड राउंड का, थर्ड लिस्ट निकालने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। चलिए आयोग जो है अपनो फॉर्मेलिटी निभा रहा है, तो तीसरा मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया। मेरिट लिस्ट मतलब तीसरा राउंड उन्हीं लोगों के लिए। फिर भी ज्वाइन नहीं किया, मतलब साफ है ज्वाइन करना ही नहीं चाहता है, लेकिन आयोग उसको जबरदस्ती ज्वाइन करवा रहा है। या फिर आप लोगों का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करता उसको डिले कर रहा है, वो अपना नियम पढ़वा रहा है। तो चौथा राउंड दे दिया, चलिए यहां तक भी चुप है। क्या आयोग 5वां राउंड भी जारी करेगा? 5वां राउंड अगर जारी करता है तो आवाज उठाइए आप लोग। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप निकालते जाइए, उन लोगों को बोलिए नहीं ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अरे ज्वाइन नहीं किया, आप तो अपना फर्ज निभा दिए ना तीसरा राउंड तक का। चौथा राउंड तो जबरदस्ती आप निकाल दिए। चलिए इस बात को भी हम लोग एक्सेप्ट करते कि चलो एक मौका और दे दिए, लेकिन अब नहीं, 5वां मौका नहीं, क्योंकि अब मुझे चाहिए। मुझे का मतलब क्या? आप लोगों का जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 946 सीट खाली था अमीन के लिए। मैं कानून को ऐसो और जो भी उस पर बात नहीं कर रहे, उसमें भी है बहुत सारे सीट। अब देखिए अमीन में 900 प्लस सीट खाली है। जब 900 प्लस सीट खाली है तो बार बार उसी को मौका दे रहे जो ज्वाइनिंग ही नहीं करना चाहता। वो कहीं SSC JEE में है, RRB JEE में है, या फिर किसी स्टेट के परमानेंट जॉब कर रहा है, तो वो छोड़ के कहे आएगा ये करने? नहीं आएगा ना। लेकिन मौका पे मौका देते जा रहे हैं। महीना में 25,000 रुपया बच तो रहा है आयोग का, सरकार का, तो गुमराह करना हुआ। चलिए गुमराह तो बहुत दिन हो गया किया हुआ। 11 तारीख तक जो डेट दिए इस मंथ का, ठीक है वो भी वेट कर लेते। आज 5 तारीख हो गया, 5 सितंबर। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 11 तारीख के बाद नोटिस आएगा और इस महीना के 20 तारीख, इस महीना सितंबर चल रहा है ना, 20 सितंबर से आप लोग का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। ये न्यू अपडेट है।
20 सितंबर से आप लोगों का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया आप लोगों के लिए काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि चौथा मौका के बाद उन्हें पांचवा मौका नहीं दिया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर पांचवा मौका देता है किसी कारणवश, ठीक है, हमारे इंफॉर्मेशन में किसी प्रकार का त्रुटि होता, अभी तक तो नहीं हुआ है, अगर होता है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है, पब्लिकली। ऐसे तो मैं अपने अभी अपने YouTube पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अब मैं न्यूज भी आ जाऊंगा, ठीक है, समझ जाइए, मेरा न्यूज अभी तक गलत नहीं हुआ, और गलत करने की कोशिश आयोग करेंगे तो मैं न्यूज पे आ जाऊंगा, ठीक है, फिर अच्छे ढंग से होगा। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों के लिए ताजा अपडेट है, 20 सितंबर से आप लोगों का ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी शुरू हो जाए, लेकिन जहां तक मुझे अपडेट है 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी, और बहुत जल्द ही आप लोग ज्वाइनिंग करोगे, टेंशन नहीं लेना। देखिए, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिला, तो आपका भाग्य है जिसका 946 या 900 कुछ है, 920 प्लस सीट बचा हुआ अभी भी, उसका ज्वाइनिंग करना, ठीक है, ये आपका भाग्य है, और समय आपके हाथ में नहीं, ये आयोग के हाथ में, इसलिए इतना समय लगा, इसलिए दुख का है, टेंशन का है। अब मेरा ही ले लीजिए, मैंने सोचा कि भाई ये इतना अमीन वाले का हेल्प किया हूँ, LRC वाले का 8000 स्टूडेंट है, उसका अगर मैं 30% निकाल लूँ, 8 + 24 होता है, और 24 को अगर मैं 500, 600, 1000 रुपया से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतना रुपया हो जाता है, मेरा कर्ज टूट जाएगा 15-16 लाख। लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था, ना ही मेरे समय मेरे साथ था, तो मिला नहीं ना। वही आप लोग सोचिए, आप लोग ने एग्जाम दिया, रिजल्ट हुआ, मेहनत सारा चीज किए, लेकिन आपका भाग्य में अमीन लिखा है, सबका नहीं, जिसका 900 सीट में रैंक उतना तक आ जाए, और समय भी आपके साथ नहीं था, इसीलिए अपने आप को कोसिए मत, इंतजार कीजिए। अच्छा हल जब मिलता है ना तो समय लगता ही है। मैं मानता हूं कि आयोग आपके साथ निष्पक्ष तरीके से डिसीजन नहीं लिया, न्याय नहीं किया। अब देखिए ना, RCG का जो कोटा है उसमें नोटिस में मैंने पढ़ा था, बोलता है क्या उसमें SC और ST के मेल कैंडिडेट को भरेंगे, तो OBC जाएगा झाल बजाने के लिए, जनरल जाएगा पूजा पाठ कराने के लिए। जब आप नियम दिए हैं तो पहले आप RCG के जो लड़की का कोटा था उस पर आप UR भर लेते, तब तो अदर स्टेट के, बिहार के अदर स्टेट की जो लड़कियां थी उसका UR से हो जाता। अगर UR से RCG में हम भर लेते तो कुछ बाहर के जो है, अगर बिहार का सारे लड़की का हो गया, कहां सारे लड़की का हो गया, कुछ तो बची ही, तो मान लेते हैं कि बिहार के बाहर के भी तो लड़की है, वो भी तो मेहनत की है, वो भी तो एग्जाम देने के लिए आई है, वो भी तो पढ़ती है। अब नियम दिए हैं कि बाहर की भी लड़की यहाँ पे आके जॉब कर सकती है, तो पहले अब UR का RCG से भर लेते, RCG बचता ही नहीं, तब बिहार की लड़कियों का, बाहर की लड़कियों का तभी तो हो जाता है UR से। तो नियम है जिसमें हम 6 साल कैसे कर सकते हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं, तो यही है, टेंशन नहीं लीजिए। LRC के जितने भी स्टूडेंट हैं 20 तारीख से आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, ये चीज मैं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन रहता है सही रहता है तभी देता हूँ, ये 2 महीना मैंने कुछ दिया नहीं दिया, मैंने घुमा फिरा ताजमहल गया हर जगह, क्योंकि मुझे पता था इतना दिन घूम लेते हैं, आज झूठे से यूट्यूब पे वीडियो डाल के, ये बीच में तो डाले घूमने वाला डाले हैं, खाना बनाने वाला डाले हैं, वो भी देखा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट तो आप लोग करते नहीं है, अरे भाई क्या आप हमको हेल्प कीजिएगा, अभी तक हम आपको बोले थे 15,000 सब्सक्राइब पहुंचाने पे होगा, तुम हम क्या 10,000 भी नहीं पहुंचाया, ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है। चलो ज्वाइनिंग करोगे ना, 20 तारीख से शुरू हो जाएगा प्रक्रिया, ऑल द बेस्ट, मस्ती में रहो, खुश रहो, ठीक है, थैंक यू।